बातचीत के लिए, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो सार्वजनिक स्थल पर कार्यक्रमों का आयोजन वो परहेज किया है, ये एक बात। उसी के लिए अब उनके साथ जो बैठक करना जरूरी है, तो आज भी जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं उसमें ये बात आई कि बहुत कुछ सार्वजनिक स्थल पर करना उचित नहीं होगा, उसमें खतरा है लोगों को बढ़ने का। इसलिए हम लोगों ने कर दिया कि जल्दी से जल्दी ऑल पार्टी में मीटिंग करें, विधायक हो जाए जो कुछ हो जाए, लेकिन अभी तो रोज बढ़ रहा उसी को ध्यान रखते हुए अभी कुछ किया गया हिसाब से अब। लेकिन आप समझ लीजिए कि चार पांच और करने के बाद फिर सारे जिलों के साथ, ये तो निरंतर वो कर रहे हैं, प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन चार पांच दिन के बाद अभी 11 से 14 तक जो आपको मालूम ही है पूरे तौर पर हम लोग वैक्सीनेशन का काम करवाएंगे और उसके बाद एक मीटिंग करके और फिर आगे जो कुछ भी करना है उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। और जल्दी से जल्दी हम लोग चाहेंगे कि और पार्टी से रिपोर्ट आई है नहीं, आपको ये बताते हैं हम लोग तो तय कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट हम लोग अधिकांश करेंगे, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं जैसे मान लीजिए कि ट्रेन से आए या प्लेन से आए, तो उन लोगों को आप समझ रहे हैं कि आरटीपीसीआर होगा तो 6-7 घंटा, तो इसी लिए उसी समय एंटीजन टेस्ट जो है करा दिया जाता है ताकि एक हद तक तो पता चल जाता है, सब किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली तो करना है लोगों का आरटीपीसीआर। तो हम लोग भी तो कर चुके हैं, अब कितना प्रतिशत हो गया हमें आप बता दीजिए कि हम कितना प्रतिशत कर रहे हैं आरटीपीसीआर तो बता दीजिए, क्या हम लोगों ने कह दिया 70% तक तो हम लोग पहुंचे आरटीपीसीआर। 15 मार्च से 8 अप्रैल तक जो टोटल टेस्ट हुए हैं उसका 68% आरटीपीसीआर है, 32% एंटीजन है। जब हम आरटीपीसीआर कहते हैं उसमें ट्रूनेट भी रहता है, तो 6832 है 15 मार्च से 8 अप्रैल तक का। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो हमारी क्षमता है राज्य की आरटीपीसीआर की, गत वर्ष के कंपैरिजन में हम लोगों ने 20 नए मशीन खरीदे हैं राज्य सरकार के द्वारा जो राशि मिली, और हम लोग कंटिन्यूअस आज के दिन भी 40,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर ही कर रहे हैं। सर, आज जो 9 लाख बिहार को मिला है तो कितना कोविशील्ड है और कितना कोवैक्सीन है? आज 9 लाख जो बिहार को मिला उसमें कितना कोविशील्ड है और कितना कोवैक्सीन? ये एग्जैक्ट आंकड़ा मैं भी आपको नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास अभी नहीं है। जो 9 लाख डोज आया है, और ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने शुरुआत की थी 50,000 पर डे से, हम लोग 3.75 लाख पहुंच गए, तो हमारा रिक्वायरमेंट स्टेट वाइज बढ़ा और फिर हम लोग रिक्वेस्ट किए, आज 9 लाख आ गया। जैसे आज ही हम लोग दोबारा पत्र भेज रहे हैं कि 11 से 14 चूंकि मिशन मोड में विशेष रूप से अभियान के रूप में करना है, और अगर हम 4 लाख के आसपास टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास जो आज वैक्सीन आए हैं उसके तुरंत 2 दिन के अंदर में और हम लोगों को वैक्सीन मिलना होगा ताकि हम लोग इस अभियान को निरंतर करें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड का जो रेशियो है पूर्व से उसी के भांति रहेगा। हम लोग कोविशील्ड बिहार में ज्यादा उपयोग किए हैं, कोवैक्सीन का उपयोग कम किया। अभी भी 45 वर्ष के नीचे ये छूट हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर के लिए सिर्फ था। ये जब ओपन हुआ है आम पब्लिक के लिए, अगर आपको याद होगा 45 से 59 कोमोर्बिडिटी 20 जो गंभीर बीमारियां थी, और 60+ के लिए। फिर जब ये निर्णय हुआ 45+ का, तब हम लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं।
पिछली बार सर शुरुआत में ही लॉकडाउन लग गया, उसके बाद भी जो आंकड़ा है संक्रमण का वो लगातार बढ़ता गया, इस बार लॉकडाउन नहीं है तो ऐसे में रफ्तार और केस बढ़ रही है, आगे चल रहा है और फिर कुछ अनुपात में अस्पताल बेड्स हॉस्पिटल्स उन सारी चीजों की कहते हैं। देखिए कल जो मीटिंग हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सब के साथ पिछली बार तो लोगों ने दिया लॉकडाउन, इस बार वह सुप्रीम बार पिछली बार किया गया तो अनुभव हो गया, पिछली बार जो कुछ भी किया गया उसका मई के बाद तो लॉकडाउन नहीं था तो अनुभव काफी हो गया, इसलिए इस बार लॉकडाउन की बात नहीं हो रही है, लेकिन कई जगहों पर राज्यों में बहुत ज्यादा जो हो गया है तो उनको सोचना है उसके बारे में, लेकिन तो रात वाला जो चीज है रूप लगाने का वो तो चल रहा है, हम लोग भी अभी चार पांच दिन के बाद इन सब चीजों को रात को जो करना होगा उसके बारे में सोचेंगे, अभी क्या तेजी से बढ़ रहा है क्या स्थिति तब होगी और सभी जिलों के साथ परामर्श करें। ठीक है सर, कई जगहों पर जो जांच हो रही है सर, कई जगहों से जो शिकायत आ रही है कि जांच की स्पीड कम है और रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है, पहले आप देख रहे थे कि अपने यहाँ घटते घटते तो एक दिन में क्या प्राइवेट मात्र 250 से थोड़ा नीचे प्राइवेट वाले कई लोगों ने 20,000 बाहर में देखिए उस समय हमने कहा कि जांच पैसा लगेगा तो जांच पड़ने लगा, लेकिन आपने जो चार दिन पहले बाई की उसमें जो सब बात तय हो गया वही हम लोग 1,00,000 के तेल पहुंचाए तो अब 1,00,000 तक पहुंचाए हैं और आरटीपीसीआर करते ज्यादा जो भी आपको बता दिया और जरूरत पड़ेगा तो उसके आगे भी हम लोग जाए, लेकिन अगर किसी जगह पर कोई टेस्ट नहीं हुआ अगर ये जानकारी हो तो तुरंत पता करेंगे इनका प्रश्न है सर, ये मुख्य रूप से आप कह रहे हैं जो पाटलिपुत्र स्टॉप में लोग हैं उनके टेस्ट रिपोर्ट टाइम पर नहीं मिले हैं, उसके बाद इसकी सूचना मुझे है और RMRI जो लैब है उसमें जो विलंब हुआ है आज विभाग की टीम भी वहां थी और मुझे विश्वास है कल तक इसका समाधान भी हो जाएगा। नीतीश जी ये कहता पूरे देश भर में चल रहा है ये बात है कि 45 साल से नीचे के लोगों को भी वैक्सीन दिया जाए और वैक्सीन का निर्यात जो है उसको तत्काल दिया जाए और अपने देश के जो है जो युवा भी है 45 से कम उनको भी मिले, इसमें आपका क्या राय है? और दूसरा जैसे बिहार के कामगार जो बाहर है वो फिर आने लगे वापस उनके काम के लिए जैसे पहले मनरेगा का और भी बहुत सारे तरह का काम किए गए थे तो अब जो फिर वापस आ रहे हैं उसके लिए क्या किया जाए? देखिए जो लोग आ गए थे पिछली बार उनके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ करना शुरू और बहुत अच्छी अच्छी संख्या में लोग रह भी गए, जो आप देखें कि हम खुद भी देखने गए और सब जगह कई प्रकार का काम और फिर जो हम लोगों का मीडिया थी उसमें हम लोगों ने इतना परिवर्तन करके लोगों को मदद देने का सब कुछ कर दिया तो बहुत लोग रहे और कोई यहाँ काम करना चाहेंगे पहले से तय कर दिया है उनको जरूर मदद करेगा कोई शक्ति, लेकिन आपको जानते हैं आपकी का तो स्वभाव बदल है उसको लगता है कि हम बाहर जाए वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है, किसी को भी देश के अंदर कहीं जाने में कोई रुकावट तो नहीं हो सकती है, आदमी की इच्छा यहाँ पर भी काम है लेकिन बहुत तो बाहर ही जाके काम करना चाहते हो और यही के लोग बाहर नहीं जाते, यहाँ भी बाहर के लोग आते हैं आपको जानते ही है, जिससे वो एक अलग विषय है तो उसके लिए तो हम लोग अपनी तरफ से इसलिए बात से ही जो सहयोग करना शुरू किए हैं उसको तो हम लोग और आगे बढ़ा करके और आप जानते ही जो हम लोग की नई नीतियां बन गई है तो उसमें ये सब चीज हम लोगों ने शामिल कर दिया, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जहां तक आपका एक प्रश्न जो पहला है 45 साल से नीचे का तो ये कल भी चर्चा हुआ, बहुत जगह पर लोगों ने मांग किया है कि 45 से नीचे वाला भी करिए तो ये तो केंद्र का जो गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं, अब देखिए ना बीच में क्या हुआ था, सबसे पहले बना था कि 50 साल से ऊपर वाले को करना है और 50 साल से कम उम्र वाले को जो बीमार है जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको कराया जाएगा ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 60 साल से ऊपर वाले को किया जाएगा,
और 45 से 60 वाले अगर कोई बीमारी की स्थिति में हो गए और बाद में थर्ड फेज में हो गया तो 45 साल के ऊपर वाले तमाम लोगों को कराया जाए, तो जो भी वहां से गाइडलाइन चलेगा उसका पालन नहीं करते। और ऐसे कोई भी आदमी की कोई द्वारा बताई कि आपको दो स्थिति जो पहले थी उसको तो कोई एज का फैक्टर ही नहीं था, जो वन और टू पे तो किया गया किया गया लेकिन हाँ ये बात फिर चर्चा चलो। अभी तो 45 से ऊपर वाला तय हो गया, हम लोग उसका करें, उसके नीचे वाला अगर बात हो जाता है पूरे देश का देख कर जैसा निर्णय हो उसी के हिसाब से चलिए। तो हमारे बिहार के लोग वहां गए जा रहा और वो लौट के बिहार आते उनके जांच के लिए तमाम व्यवस्था स्टेशन पर सरकार ने कर रखी है, पिछले साल को साल भी 30 साल भी रहे, लेकिन देखा गया कि लोग आउटर पर ही उठा कर निकल रहे और वो संक्रमण के लिए बहुत खतरा है, तो उसको कैसे रोके बात को आप प्रचार करें कि बुरा मत मानिए, सजग रहिए और इसके लिए कभी कोई ऐसा काम मत करिए ध्यान दीजिए। अधिक से अधिक प्रचारित किया जा रहा है, आप तो देख लिया कल कभी तो सभी अखबारों में भेजा तो प्रचारित किया गया, इसको अनेक प्रकार से भी प्रचारित किया जा रहा है, लोगों को प्रेरित करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अब उसके बाद और पार्टी जीती वो उसमें भी सारी बात करूंगा ताकि नीचे के स्तर पर भी सभी प्रकार के जनप्रतिनिधि लोग भी या हम लोगों की जो जीविका समूह है या अन्य लोग भी जो है सब लोगों को लगाया जाएगा इसमें, सब लोगों को थोड़ा प्रेरित करिए ताकि भाई बाहर से आए हैं एक बार जांच जरूर कराए। ये तो वो है जो ट्रेन से बचने के लिए बहुत सारे ऐसे मंत्री भी है विधायक भी है जिन्हें पता है कि मास्क लगाना है सोशल डिस्टेंसिंग करना है लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे कि तस्वीरें सामने आ रही है वीडियो सामने आ रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क और अभी अगला 3-4 दिन को और और आज हमको मीटिंग में बताया गया है कि अब मास्क पहनने वालों की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब है कि चीजों के बारे में लोगों के बीच में जब पूरी जानकारी दी जा रही है तो फिर मास्क पहनने का सिलसिला पड़ा है जिसको हम लोग पूरा प्रशन और एक्शन की बात होगी तो वो भी आगे हम लोग देख सकते, लेकिन अभी 4-5 दिन और एक राउंड और समूचा देख करके 4-5 दिन के बाद फिर सभी चीजों के साथ सारी बातचीत और हमेशा ये लोग एक एक चीज के बारे में जानकारी और इसमें मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि तो जहां से भी कोई खबर मिलती है और आप लोगों के माध्यम से भी कोई बात आती है तो उनके जानकारी की बात आती है और उसके मुताबिक लोगों को शुरू किया जाता है इसको जरा तुरंत देखिए हम लोग तो देखते हैं। एक बात मैं आपको बता देते आज से नहीं जब से ये शुरू हुआ है प्रतिदिन शाम हमको ये लोग पूरा का पूरा फिगर भेजते हैं कि आज कितना जांच हुआ क्या क्या स्थिति है ये पूरी जानकारी देते हैं और आप जान लीजिए कि जब 8 बजे के बाद हमारे यहाँ पहुंचता है और उसके बाद ही हम सब जब जिस दिन हमको थोड़ा भी होता सबसे बात करते हैं हम लोग अपनी तरफ से लोगों में कॉन्शसनेस लाने का प्रयास करते इसमें कुछ सकते लेकिन ये तो दावा नहीं कर सकते कि भाई लाख आप प्रयास करिए कहीं कोई कमी नहीं रह जाएगी, क्योंकि सब लोग प्रेरित तो होते नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी लोग प्रेरित हो और अब सोचना चाहिए कि भाई एक बार पिछली बार के बाद फिर इस साल पढ़ रहा है तो सोचना तो चाहिए ना, और ऐसा तो है नहीं कि पूरे दुनिया में पढ़ रहा है, क्योंकि जब सब लोग इस बात को पूरे दुनिया में मान रहे हैं कि भाई हम लोग को अभी इस बात के लिए सजग रहना तो करना तो चाहिए। मुख्यमंत्री आप बोल रहे हैं कि मास्क पहनिए रोड पे हम बिना मास्क के जा रहे हैं तो फाइन हो रहा है, आप बोल रहे हैं टीवी पे देखिए, तो टीवी पे जो पब्लिक है
है वो देखता है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, आपके सहयोगी बीजेपी उनके अध्यक्ष नड्डा जी हैं, ये लोग जोर से करते हैं, कोई मास्क नहीं पहनता है, नियम जो है इनकम का जो लॉक है वो सबसे एक तरह का होगा। चुनाव वगैरह हो रहा है वहाँ दवाई है मुख्यमंत्री जी, क्या पिछली बार जैसे प्रवासी आए तो 1,000 रुपया उनके खाते में वेलकम किट दिया गया, क्या इस बार भी जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको? पिछली बार की बात दूसरी, पिछली बार जो लॉकडाउन हुआ वो लोग फंस गए, इसलिए उनका फोन लाइन सस्पेंड किया, तो 21 लाख के करीब लोगों को मदद कर, और फिर यहाँ जो लोग आए करीब 22 लाख, वो उसमें से 15 लाख एक बार कम से कम 5,300 रुपया हम लोगों ने खर्च किया था 14 लाख, वो भी जरूरत हो गई किसी को सहयोग करने का, तो हम लोग जरूर आगे देखेंगे और करेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि लॉकडाउन नहीं है तो अभी तो इनकी इच्छा होगी आने की, आए जैसा भी ठीक कर अस्पताल में लोगों के ट्रीटमेंट के लिए जो बेड का नंबर हो, जगह हो, सबके बारे में बातचीत होगी और आपको ये बता देंगे। ये पूरे तौर पर देखा जा रहा है, पहले से एक सिस्टम बना हुआ है, आवश्यकता नहीं थी उस पर कोई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर से उसे देख लिया जा रहा है कि एक जगह पर ताकि लोगों को इलाज कराने में सुविधा हो, और जब अधिक लोग आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए अस्पताल में जगह नहीं। और एक चौथा आइसोलेशन सेंटर, 4 प्रकार का अपने अंतिम सिस्टम है, दिल्ली एम्स और रुड़की को बंद कर दिया गया अन्य बीमारियों के इलाज के लिए, क्या बिहार में भी स्थिति होगी कि अन्य बीमारियों के इलाज के लिए अस्पतालों को बंद रखा जाएगा? अभी अंतिम निर्णय नहीं किया है, अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो दिल्ली का निर्णय लिया गया है वो स्वाभाविक है कि बहुत कम लोगों का अन्य जो ये नहीं किसी का इलाज नहीं, सीमित लोगों का इलाज होगा, ऐसा जो अभी अपने यहाँ वैसी स्थिति नहीं है, लेकिन इस पर तो लगातार निरंतर वो देख रहे और जरूरत पड़ेगा तो वैसे किसी अस्पताल को कर देंगे, जैसे पिछली बार किया गया था कि और को दूसरा ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ ये इसका होगा। कोरोना सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। पत्रकारों को सब पूछ रहा है, हमको पिछली बार ही कहे थे कि पत्रकार बंधु सब जगह सुनते हैं, इसे पत्रकार बंधु को सुनता चाहिए, हमारी राय तो है, हमने इन लोगों को कहा आप देख लीजिए, क्योंकि पत्रकार लोग ऐसे हैं उनको स्वाभाविक तौर पर जाना पड़ता है कहीं, और उसमें बहुत तरह का उनको देखना पड़ता है, तो वैसी स्थिति में उनका टीकाकरण तो होना चाहिए, तो पहले ही कहे इसके लिए बात करिए, हम इसके पक्ष में है, हम इसके पक्ष में है, इसके लिए जो कुछ भी संभव है उसको फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में करिए या अन्य प्रकार से भी करिए, लेकिन देखिए जरूर हमारी इच्छा तो यही है, और पहले भी आप जानते हैं इस बात को कह सकते हैं उनको यदि डिपार्टमेंट को इसके बारे में, वो हम उसके पक्ष में है, इसलिए कि पत्रकार बंधुओं को जो भूमिका है वो स्वाभाविक है, कहीं उनको कहीं जाना पड़ता है,
वैक्सीन जरूर करना चाहिए ताकि जो उनका वैक्सीनेशन हो जाए हो गया अब सब हो गया सर हो गया थैंक यू सब पका रहा है रिपीट कर रहा है सर थैंक यू सर ये बात हो गई है निरंतर प्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरंतर दो दिन तीन दिन पर एक दिन पर जब भी जरूरी होगा पूरी जानकारी यहाँ को किया जा रहा है ये लोग देते रहे वो नहीं मानेगा सर बताइए सर नहीं मान रहा सर वो लोग बता रहे थे कि हम लोग स्कूल खोलना चाहते हैं हमने कहा कि सरकार कब स्कूल बंद करना चाहती है सर स्कूल बंद करना सरकार की पसंद या च्वाइस पूरे ये तो मजबूरी का फैसला होता है जब कोरोना बढ़ रहा है तो बच्चों को पढ़ाई के नाम पर उनके स्वास्थ्य या कोरोना के खतरे में तो नहीं डाला जाए इसलिए सरकार को भी पसंद नहीं हम लोग भी खोलना चाहते थे अत्यंत मजबूरी में फैसला लेते हैं और उनको भी हम लोगों ने कहा है कि सरकार जो दिशा निर्देश देती है बच्चों की पढ़ाई हमेशा सरकार की प्राथमिकता है लेकिन उनके जान के खतरे में डाल के तो नहीं हो सकता है सरकार का जो दिशा निर्देश हो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उनको भी पालन करना चाहिए ये सीधी कर नहीं रहा है ना सर स्पेशली मिशनरी स्कूल सर और मुख्यमंत्री महोदय ने तो कह ही दिया है कि आप लोगों के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य विभाग को कह दिए हैं जो खाली इतना ही कर देते हैं कि जब वैक्सीनेशन का टाइम आएगा तो आप लोग आउटर सिग्नल पर नहीं उतरेंगे कुछ ना होने वाला है और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा